अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपका स्वागत है सबा फूड्स में। और आज हम जा रहे हैं इतवार बाज़ार, लाल किले के सामने। इसको चोर बाज़ार भी कहते हैं लोग और बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। मेरे साथ मेरे मामा हैं, हम दोनों जा रहे हैं, अब जाके मिलेंगे आप। ये देखो सुबह का टाइम है, बिल्कुल सारे रोड खाली पड़े हैं और अब वहीं पे जाके मिलेंगे आपको। कोशिश करूँगा मैं दिखाने की कि क्या क्या मिलता है वहाँ पे। वैसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारा ज़रूरत का सामान मिल जाता है, तो मिलते हैं वहीं पे जाके। भाई सुबह 6 बजे का टाइम है यहाँ पर और हम जाफराबाद से निकल गए, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन। ये सुबह का माहौल है यहाँ का, हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो गया है, अब हम तेल डलवाने जा रहे हैं पेट्रोल पंप। तो गाइस निकल चुके हैं हम अपनी पार्किंग से, गाड़ी पार्क करके चलो। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं सब। तो ये है इतवार बाज़ार, जिसे चोर बाज़ार भी कहा जाता है। तो अली गया था यहाँ पर संडे की सुबह को अपने मामा के साथ, कुछ लेना था उसको यहाँ पर। लेकिन यहाँ भाई हर किसी के बस की बात नहीं है सामान लेना, बहुत चालाक आदमी जो यहाँ बहुत पुराना जाता हो वही लेके आ सकता है। तो इसकी अगर हुआ तो पूरी वीडियो डालूँगी मैं। वेलकम टू सबा फूड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। तो ये 3 बजे का टाइम है, देखिए मास ने आज छुट्टी कर रखी थी क्योंकि मास के पेट में एकदम दर्द उठ गया था शहरी में, तो उन्होंने छुट्टी कर ली थी। तो ये लेटे हुए हैं दोनों भाई, अली भी सो रहा है, दोनों लेटे हुए हैं। ये मास एकदम ही अचानक पेट में ज़्यादा दर्द हो गया था इनके, तो इसलिए फिर ये जा नहीं पाए थे। ये देखिए बहुत ज़्यादा बेचारे के मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी वही रूटीन है, पहले मैं घर का काम निपटा के नहाई, नहा के नमाज़ पढ़ी, नमाज पढ़ के अब मैंने अम्मा कुराशी पढ़ रही हूँ। एक सिपारा पढ़ती हूँ मैं जोहर में और एक सिपारा पढ़ती हूँ मैं फजर में। तो मैं कुरान शरीफ पढ़ लूँ पहले, फिर घर के कामों में लगूँगी। तो फिर मैं किचन में आ गई, फिर वही रूटीन थी। पहले सबसे पहले मैंने पकौड़ियों का, मैं जो भी बनाती हूँ पकौड़ी वकौड़ी उसको काट के रख देती हूँ बेसन वेसन लगा के। सबसे पहले मैंने आलू की, प्याज की और पालक की पकौड़ी मिक्स करके बनाई, क्योंकि मैंने इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ तो ये ज़्यादा पसंद आई थी। कभी मैं पालक की बना लेती हूँ, कभी आलू की खाली। तो ये मैंने एक बड़ी प्याज और एक बड़ा आलू, इसे बारीक बारीक काट लेती हूँ मैं, इसे ऐसे बारीक बारीक काट लें आलू को भी और प्याज को भी। और पालक ले लें, पालक को भी मोटा मोटा काटना है, बहुत बारीक नहीं काटना है, इसे मोटा मोटा काटना है पालक को, वरना बिल्कुल घुल मिल जाता है, पता नहीं चलता। फिर इसको धो के अच्छी तरह, इसे धो लें अच्छी तरह, इसका खूब एक दो पानी निकाल के खूब अच्छी तरह धो के और फिर इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। मैं 2 टेबल स्पून इसमें बेसन डाल रही हूँ और फिर इसमें पहले इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे और फिर अगर इसमें ज़रा सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रा सा पानी डालेंगे कि जो ये बेसन अच्छी तरह इसमें लग जाए। बिल्कुल ज़रा सा पानी डलता है इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालें क्योंकि अभी तो ऐसा लगेगा सूखा सूखा, थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मैंने कचरियाँ तली, पापड़, ये हमारे यहाँ ज़रूर खाए जाते हैं, इसके बगैर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा से पापड़ साथ में ज़रूर होने चाहिए। तो ये मैंने पापड़ तल लिए, और फिर मैंने जो पालक की, आलू की और प्याज की पकौड़ियाँ ये बना ली थी। और आज मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि मास को
ज़रूर चाहिए कुछ ना कुछ, वो कह रहे थे कुछ ना कुछ होना चाहिए शरबत में, तो अभी तक तो हमने बनाया नहीं था, तो आज मैंने इसलिए कोल्ड कॉफ़ी बना दी थी। तो मैंने ये 10 रुपए वाला जो कॉफ़ी का पाउच होता है, और उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी मिला के पहले उसको ज़रा सा पानी मिला के उसको घोल लिया बहुत अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह फेंट लिया था। फिर उसके बाद मिक्सर जार में डाल के इसको हम पहले चलाएंगे एक बार चीनी को और कॉफ़ी को, ज़रा सा पानी डाल के पहले इसको खूब घोल लें और फिर मिक्सर में डाल के इसको चला लें, ये देखिए। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हम दूध, एक मैंने पूरी 1/2 किलो की थैली इसके अंदर डाल दी थी दूध की। फिर इसको एक बार चला लेंगे हम। अब इसके अंदर डालेंगे हम बर्फ़, बर्फ़ मैंने थोड़ी डाली थी। मैं बहुत जब गर्मी होती है जब कोल्ड कॉफ़ी ऐसी बनाती हूँ बिल्कुल जैसे आइसक्रीम बन जाती है, बहुत ही मज़े की लगती है। फिर हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। माज वही वाली कह रहे थे मम्मी बिल्कुल बर्फ़ जमी जमी आनी चाहिए, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल में उनको मना करा, मैंने भाई अभी नहीं बनाऊंगी मैं वैसी। फिर मैंने और सारी चीज़ें भी तल ली जो चीज़ें मुझे तलनी थी। तो ये लग गया हमारा दस्तरखान। टोप कैसा है पेट के दर्द? पहले से तो बेहतर। रोज़ा तो नहीं खोला तूने? नमाज सारी पढ़ी? चलो, लेकिन तूने अच्छा नहीं करा आज कोल्ड कॉफ़ी बनवा के, तबीयत ना ख़राब हो जाए बस हमारी भी तेरे साथ। चल मट्टू दुआ करवा आज, तो मट्टू आया हुआ है देखो हमारे यहाँ, ये दुआ करवाने वाले हैं, जल्दी करवा। अली भाई करवा देंगे, चलो तो विशेष पढ़ो पहले करवा देना जो है वो तो गया। बिरयानी नहीं बनाना सिर्फ पुलाव बनानी है। पुलाव 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 मेरे पास लाओ। आज मैंने सिंपल पुलाव बनाई है, बिल्कुल सिंपल अली के कहने पे। किसे कहते हैं कौन की पुलाव है? और जा भाई शास्त्री नगर की कब बनाओगी फिर पुलाव? शास्त्री नगर में कौन रहता तेरा? शास्त्री नगर तो बिल्कुल मेरे ऑफिस के पीछे पड़ता है, इधर मतलब 2-4 स्टेशन आगे। हमारा खाना चल रहा है, ये इसी टाइम हम खाते हैं। बढ़ेगी होती ना और मजा। 11:15 रात के मेरे निक्के निक्के बच्चे दोनों, मेरे निक्के निक्के बच्चे खाना खा रहे हैं, छोटे छोटे से मुन्ने मेरे। यार ये कैसा चम्मच है? अरे हर चीज में वो क्यों है तुझे? जिसमें चोट लगी हुई है ये चीज। सही है नहीं? सिंपल सी। क्या गिरा दिया? मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है। चटनी गिरा दी तो जाओगे दस्तावान पे तो गिरी है। चटनी की तो जरूरत नहीं है इसमें। कैसी लग रही है? गिर गई तो जरूरत नहीं है चटनी की। मैं बता रहा हूँ मैं खाता ही। अली कहाँ खाता? और बट्टू बिना चटनी के नहीं खाता। बस जवाब दे भाई माशाल्लाह। वाह वाह अल्लाह की तारीफ है। जिसने हमें जिसने क्या बनाया? जिसने हमें माँ दी और उस माँ ने पुलाव बना के खिलाई। अच्छा अल्लाह की तारीफ है। सही बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करा करो एक एक जर्रे जर्रे दाने दाने पे। अल्लाह ताला ने हमारे अल्लाह फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाता है। माँ को ऐसा टैलेंट दिया, माँ को ऐसी खतरनाक सवा फूड बनाया कि हमें तो खाना तो ये है बना ही लेते हैं सब, लेकिन अल्लाह देने वाला होना चाहिए ना। अल्लाह खाना अल्लाह ने दिया, अल्लाह हमें दे रहा है हम खा तो रहे कम से कम। खाना अल्लाह ने दिया बनाया मेरी माँ, बस ये है हम रिज़्क़ बनाए ऐसा जो अच्छा लगे।
वीरान ना करें। चलो ठीक है, मैं भी खा लेती हूँ। तो ये थी आज की रूटीन, जैसी भी थी मैंने आपको दिखाई। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप, कमेंट करके मुझे बताइए मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। सारा खा जाऊँ यार मम्मी, काली मिर्ची जो है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।